आज मैं आपको वो बेरी का दरख्त भी दिखा रहा हूँ जहाँ पर कहा जाता है कि औरतें वहाँ पर बैठ के मन्नतें मांगती हैं, तो बेर गिरे तो बेटा पैदा होता है, पत्ता गिरे तो बेटी पैदा होती है, ये औरतों का कहना है। तो अल्लाह बेहतर जानता है, तो हम वो जगह भी आपको दिखाते हैं। तो ये वो जगह है, आपको बेरी का दरख्त नज़र आ रहा होगा, तो औरतें वहाँ पर बैठी हैं, मन्नत मांग रही हैं, ये आप देख सकते हैं। तो ये वो दरख्त है, तो ये दरबार हजरत सखी सुल्तान बाहू बरसगीर पाक हिंद का सूफी बुजुर्ग हजरत सखी सुल्तानुल आरफीन का दरबार है। तो यहाँ पर औरतें आपको नजर आ रही होंगी, बेरिया तो इत्थे मन्नतां औरतां मंगदियां ने। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली जंग के साथ राना मोहम्मद सलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं बरसगीर पाक हिंद के सूफी बुजुर्ग हजरत सखी सुल्तानुल आरफीन के मज़ार पर। आज हम आपको मज़ार की ज़ियारत करवाते हैं और दरबार शरीफ के जो नज़ारे हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं। हमारे साथ ही रहिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। ये है जी दरबार हजरत सखी सुल्तान बाहू। तो अंदर जाके हम अंदर के मनाज़र भी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये लोग दूर दराज जगह से यहाँ पर आते हैं। आप कहाँ से आए हैं? पाकपतन शरीफ से। ये यहाँ पर जो लोग हैं ये पाकपतन शरीफ से आए हैं यहाँ पर। तो पूरे सियालकोट से आए हैं। तो यहाँ पर जो लोगों की कसीर तादाद यहाँ पर होती है, तो आप देख सकते हैं ये मनाजर दरबार हजरत सखी सुल्तान बाहू के। क्या कहेंगे इस हवाले से, आप सखी सरवर भी गए हैं, तो यहाँ पर आप आए हैं दरबार हजरत सुल्तान बाहू पर, तो आपको यहाँ पर आकर कैसे लगा? यहाँ पर इंतजामिया तामन कर रही है, यहाँ का माहौल क्या, कैसे लगा, क्या कहेंगे जो नाज़रीन देख रहे हैं? माशाल्लाह, हमें बहुत अच्छा लगा इधर आके, दिल को बहुत सुकून हुआ है। माशाल्लाह, ये बहुत बढ़िया है, इधर हम दिल्ली में रहते हैं, पाते हैं। यहाँ पर जहाँ पर जो नाज़रीन आते हैं उनकी दिली मुरादें यहाँ पर पूरी होती हैं। पूरी दुनिया से यहाँ पर लोग दरबार हजरत सखी सुल्तानुल आरफीन के मज़ार पर आते हैं और अपनी मन्नतें मुरादें यहाँ पर जो ज़ायरीन आ रहे हैं और अपने दिली मन्नतें मुरादें यहाँ से मांग रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? शोरकोट से आए हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से यहाँ पर आए हैं? ये हमने दुआ मांगी है, अल्लाह करेगा कबूल हो जाएगी इंशाल्लाह। दुआ पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह, पहले भी कबूल हुई है लेकिन अब मुरादें मांग रहे हैं। तो यहाँ पर जो ज़ायरीन होते हैं, लोग होते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आके अपनी मुरादें यहाँ से मांगते हैं। तो दरबार हजरत सखी सुल्तान बाहू के नज़ारे हम आपको दिखा रहे हैं। तो हमारे भी हो रहे हैं ना, गाड़ियां हो गई यहाँ पर। अच्छा, आप यहाँ पर आए हैं तो आपने यहाँ पर मन्नत मांगी है? काम करेंगे उसके बाद हम मन्नत मांगेंगे। तो यहाँ पर जो ज़ायरीन है यहाँ पर लोग आ रहे हैं, मन्नतें भी मांग रहे हैं। तो हमारे साथ एक और दोस्त भी मौजूद है। तो सर, आप यहाँ पर आए हैं तो आपने क्या मन्नत मांगी है यहाँ पर? हम अल्लाह के ही वली हैं, जो सच्चे दिल से मांगा जाए वो मिलता है जी। नाज़रीन, ये बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि ये अल्लाह के वली हैं, जो भी सच्चे दिल से आप मांगेंगे तो आपको यहाँ से मिलेगा। दरबार हजरत सखी सुल्तान बाहू के मनाजर हैं ये, आप देख सकते हैं बाहर के। तो अंदर भी चलते हैं, कोशिश करते हैं हम आपको अंदर के मनाजर भी दिखाएं, क्योंकि अंदर तस्वीर बनाना मना है। अगर कोई साहबजादगान खानवादे बाहू हो तो फिर वो अंदर तस्वीर बनती है, नहीं तो वो वहाँ पर तस्वीर बनाने नहीं देते। ये है जी अंदर के मनाजर, आप देख सकते हैं सुल्तानुल आरफीन के दरबार के अंदर के मनाजर। तो हमने आपको कहा था कि हम अंदर के मनाजर भी आपको दिखाएंगे, तो आप देख सकते हैं अंदर के मनाजर भी हमने आपको दिखा दिए। आए,
यहाँ पर ये सेन है, यहाँ पर औरतें बैठ के कुरान मजीद की तलावत करती हैं। तो ये वो सेन है, यहाँ पर औरतें बैठ के ख़वातीन कुरान मजीद की तलावत करती हैं। यहाँ पर जूते रखे जाते हैं, वो भी आवाम के लिए बिल्कुल फ्री रखे जाते हैं। यहाँ पर जूते रखने के लिए कोई पैसे भी नहीं है। यहाँ देख सकते हैं,